बजरंगबली की जहाँ मूर्ति है वहाँ पर पर्टिकुलर एक ऐसी। तूने कहा था कि चंडीगढ़ बेकार है, तो मैंने कहा चंडीगढ़ से अच्छा कुछ नहीं है, चंडीगढ़ से बेकार है हिमाचल। तो मैंने कहा था वैसे हिमाचल अच्छा लगेगा। माल रोड पे नजारा अच्छा है, अगर तुम गौर से देखोगे तो पेड़ है उसके ऊपर देखोगे तो जाखू टेम्पल दिख रहा है। कैसा बंदा है तू, लड़कियों की तरह उल्टी करता है। जैसे एक बार गाड़ी में पहुंच गई, इसके बाद इन सब ने शोर मचाया कि इन्हें माल रोड जाना है, माल रोड के बाद इन्हें जाना है सोलन के मोमोज खाने रास्ते में। तो अब जैसा होगा जो भी होगा देखो, मेरा ना पूरा का पूरा पैर कांप रहा है, जो राइट पैर है ना उसमें पेन हो रहा है और लेफ्ट पैर कांप रहा है क्योंकि सारा वजन उसी पे आ रहा है और बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे आई है, अभी वहाँ नीचे जाना है। तो मतलब बुरा हाल हो गया, मुझे लग रहा है मुझे कल परसों ना टाइम निकाल के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चल चलें, चलो। पैर में मेरे बहुत पेन हो रहा है यार, ये दिखाना पड़ेगा। हाँ ये दिखाना ही पड़ेगा। अभी देख, अभी एक काम करियो, देख मेरे इस वाले पैर पे हाथ लगा, कांप रहा है। ये देख जैसे देख, देख जैसे कदम रखूंगा तो देखियो, हाथ रख इस पट पे, अब कदम रखूंगा कांप कितना रहा है। मैं सपोर्ट लेना ले ले भाई। नहीं 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 ठीक है, ये पकड़ ले ये। अब तो बस गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं, फिर उसके बाद आराम ही करूंगा सिंपल। गाड़ी में पहुंच गया मैं। और अभी हम जा रहे हैं माल रोड चर्च, उसके आसपास का एरिया हम कवर करेंगे। पर अभी हमें जो हमारा फ्रेंड रॉबिन है ये यहाँ पर एक लिफ्ट नाम की जगह है यहाँ पर लेकर आया, वही होती भाई नीचे ऊपर जाते। मतलब मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ शिमला में है कि हमें डायरेक्ट रिज के पास ले जाएगा, क्योंकि मैं पैदल चल नहीं पा रहा हूँ। तो रॉबिन ने कहा कि यहाँ पर लिफ्ट भी है, लिफ्ट के थ्रू जाएंगे हम। तो अभी ये लाइन लगी हुई है, हम भी चले इसी में आ जाएंगे। ठीक है भाई, लिफ्ट की टिकट लगती है, लिफ्ट की टिकट लगती है, मुझे नहीं पता। पैर में बहुत दर्द हो रहा है, वहाँ से लिफ्ट की टिकट लेनी पड़ती है, मुझे नहीं पता था यार। चेहरा उतर जाता है मेरा, मैं जब थक जाता हूँ ना बहुत। नंबर आ चुका है लिफ्ट के लिए हमारा, मतलब एक फ्लोर हमें ऊपर ले आई। एक फ्लोर का मतलब है कि हम मेन जमीन से ना छः सात फ्लोर ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि वो ऐसी चढ़ाई है यार, बहुत मुश्किल है। तो अभी मंदिर तो क्रॉस कर लिया अभी हमने, पर कह रहे हैं कि एक और लिफ्ट अभी ऊपर को जाती है, अगर उससे जाना तो जो ब्रिज है ना उससे थोड़ा नीचे होंगे, तो अभी उस पर जाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड लिफ्ट ये है, ये सेकेंड लिफ्ट है। फाइनली अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, थक थक चल चल के थक गए थे, पर फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं मेरा चर्च। जितना सुबह मौसम खराब था ना, धुंध थी, बारिश हो रही थी, अभी उतना ही साफ हो चुका है मौसम देखो ऊपर, और धूप आ चुकी है कड़ाकेदार। पीछे जाखू टेंपल भी क्लियर दिख रहा था, अभी उससे हम थोड़ा आगे आगे, वो मैंने कैप्चर नहीं करा। यहाँ ब्रिज पे इतना रश, ये देखो पूरा रश हो गया, कितना रश है रोबिन यहाँ, बहुत रश है। देखो अभी मौसम कितना अच्छा था, पहले बारिश हो रही थी और एकदम से धूप हो गई, बहुत कड़ाकेदार धूप होगी। चलो हमारे लिए बढ़िया हो गया, हम इजीली आ गए, पर वैसे बारिश होती यहाँ पे अभी तो कितना अच्छा लगता है। सही बात है, मैं हमेशा था उस साइड से आ रहा हूँ, अभी इस साइड से पहली बार आया हूँ, है ना सीधा रिज। हाँ मैं उस साइड से आता था जब यहाँ पर मुझे इस साइड दिखता था चर्च, इस बार हम इस साइड से आए हैं। फोटोज क्लिक करते हैं यहाँ पर, फोटोज अच्छे आएंगे। हाँ फोटोज क्लिक करते हैं। माल रोड पे नज़ारा अच्छा है, अगर तुम गौर से देखोगे तो चर्च के वो जो बगल में पेड़ है उसके ऊपर देखोगे तो जाखू टेंपल दिख रहा है, बजरंगबली का क्लियरली दिख रहा है। सुबह इतनी धुंधी थी कि कुछ नहीं दिख रहा था, पर अभी क्लियर दिख रहा है। इस साइड पे भीड़ भी बहुत है ना। अभी हम ये सोच रहे हैं कि लक्कड़ बाजार जा रहे हैं, लक्कड़ बाजार भी है यहाँ पर, जो शिमला के होंगे उन्हें पता होगा, वहाँ पर लक्कड़ का ही मटीरियल मिलता है सारा का सारा। वहाँ पर से देखते हैं, कुछ मम्मी रोनी अन्नू के लिए कुछ खरीद लूँगा, नहीं तो नहीं। इस साइड देखो, ये जितने भी ये तुम्हें पहाड़ दिख रहे हैं ना, उन पर घर दिख रहे हैं, ये रात को चमकते हैं तारों की तरह। और मुझे ना मतलब मन में मेरा यही था कि मैं यहाँ पर आऊँगा, उस साइड बेंच है वहाँ पर बैठ के रात को नज़ारे देखूँगा ये, पर रात को तो हम यहाँ पर आ नहीं पाए माल रोड। बट स्टिल आई एम हैप्पी कि हमने सारा का सारा एक्सप्लोर कर लिया ऑलमोस्ट। कुफरी रह गया था, पर कुफरी का ये सीन था कि सुबह बहुत बारिश भी हो रही थी और मौसम भी ख़राब था, तो हमने सोचा कुफरी जाना सेफ नहीं है, तो कुफरी स्किप करा, अब लेट हो गया। माल रोड से वापस आ गया यार, टू बी ऑनेस्ट अभी माल रोड पर मुझे इतना मज़ा नहीं आया, धूप हो रही थी, लोग भी रश भी बहुत ज़्यादा था और मेरे पैर में भी दर्द हो रहा था, तो मेरा मन ही नहीं करा घूमने का। मेरी जैसे सबको जल्दी आना पड़ा, मैंने कहा यार घर चलते हैं, घर चलेंगे और रास्ते में कुछ खाना होगा तो खा लेंगे, अदरवाइज़ मुझे घर छोड़ दो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अन्नू रोनी इनके साथ मिलकर बातें करूँगा, मज़े करूँगा, मेरे को घर छोड़ दो मेरे। तो फिलहाल अभी बस जा रहे हैं पार्किंग में, वो कार लेने गया, लेकर आ रहा है फिर घर, डायरेक्ट घर। तो यार फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, बाय बाय शिमला कर रहे हैं, शिमला को अब हमने टाटा कर दिया, निकल रहे हैं, बाय बाय। बोल रहे थे वो बोलो ना यार। नहीं शिमला तो अच्छा था यार, रूपाली सच सुनना चाहती है, हिमाचल कितना अच्छा लगा हमें, पर हम इसको कैमरे में नहीं डाल पाएंगे।
नहीं डाल पाएंगे हिमाचल जैसा, मतलब कुछ दिखा नहीं मुझे आज तक। नहीं दल बदलू नहीं रूपाली, जो हमने वो लाइन बोली थी ना कि हिमाचल बेकार है, वो उस पे बोला था तूने, कहा था कि चंडीगढ़ बेकार है, तो मैंने कहा चंडीगढ़ से अच्छा कुछ नहीं है, चंडीगढ़ से बेकार है हिमाचल, तो मैंने कहा था वैसे हिमाचल अच्छा लगे। चंडीगढ़ वही तो तभी मुझे गुस्सा आया, हिमाचल तो जनता कंपैरिजन में नीचे है थोड़ा सा हिमाचल, पर सेकंड नंबर पे ही है, सेकंड नंबर पे है, पहले पे चंडीगढ़ है। तो चलो अभी फिलहाल देखो ये रहा हमारा हिमाचल, ये रहा शिमला, बाय बाय कर दो शिमला को सारे, बाय 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 शिमला, आप सीधे मिलेंगे तुम्हें घर पर या बीच रास्ते में जहाँ खाना पीना खाएंगे। ड्राइव करते करते थक गए, सोलन पहुंच गए, सोलन में यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर मोमोज वगैरह खाने के लिए रुक गए, सारे कह रहे थे मोमोज खाने तो मोमोज खाने के लिए रुक गए। सिर्फ ये मोमोज खाने के लिए हमने अपना बाईपास वाला रास्ता छोड़ा है और सोलन के अंदर मार्केट में आया, अब हमें थोड़ा जाने में टाइम लगेगा, बट मोमोज खाने थे, सबकी डिमांड थी, रॉबरी की डिमांड थी, तो हम इसके लिए आ गए। कितना टाइम लगेगा? बस यहाँ पे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग गया अंदर आने के बाद, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, बस हमारा ये आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, फिर अब बैक टू घर, 9:30 तक घर, बस सो जाना है आँख मूंद कर। यार फाइनली मैं अभी घर पर पहुंच चुका हूं, तो छोड़ दिया इन्होंने मुझे, दिख क्यों नहीं रहे हम, दिख क्यों रहे, अंधेरा ज्यादा हो गया, तो चल ठीक है, ओके रॉबी, ओके ब्रो, आराम से जाना ठीक है, सबको टाइम पे छोड़ दें, चलो फिर वाली यार ये साथ में जूते मेरे, चल बाय करते हैं, फिर मैं तेरे हाथ से ले लूंगा, ओके बाय बाय बाय। भाई घर आकर एक अलग ही नजारा है कसम से, घर में भी मैंने पैर रखा ही है, अपना DSLR उठाया और मिट्टू सीधे कंधे भी आ गया, बड़ा मिस करा मैंने मिट्टू को, मिट्टू ने भी, अभी चलते हैं, यहाँ पर कोई बंदा काम कर रहा है। बाकी घूमे फिर जाकू टेम्पल गए, इतना गजब जाकू, हाँ हनुमान जी का, उसका रास्ता बहुत प्यारा है, जो पैदल पैदल चलते है ना, वो ट्रॉली तो नहीं लेना, नहीं नहीं पैदल गए ना, पैदल ही गए, और वो तूने देखा है वो स्टैचू इतना बड़ा नहीं लगता, पर जैसे मैं माथा टेकने गया ना, मैंने पैर देखा ना, वो वाला सीन देखा तूने, जब तू माथा टेक रहा होगा तो वहां पर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर गर्म रहता है हर वक्त, बताया किसी ने? नहीं बताया नहीं, पर एक जगह फील हुआ था, वो पूरा का पूरा फर्श है ना, एक बजरंगबली की जहाँ मूर्ति है वहां पर पर्टिकुलर एक ऐसी एरिया जहाँ पर गर्म रहता है, सही बात है, और मैं वो स्टैचू इतना बड़ा नहीं लग रहा था बजरंग बली का, जैसे मैं माथा टेकने गया पैर देखो इतना एक्सट्रीम बड़ा, मौका ये तो गजब बड़ा है, फिर वहां से जब देखा ना इसे ऊपर ऐसे मुंडी होगी तो भी नहीं दिख रहा, पेड़ों के बीच से दिखता ना, बड़ा मजेदार है। मम्मी क्या है? पता नहीं, पापा सो गए होंगे, पापा तो किचन में हो गए, चलो अब मॉम से मिल लेते हैं, बैग रख दो अपना, अबे कंधे से हट जा, ये इसकी फाइटर आते ही चिपक गया मेरे साथ। मिट्टू भैया को मिस करा तूने? आपको बहुत मिस करा भैया, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। मम्मी और अन्नू अंदर है, मिट्टू चले चला जा, छुएगा पर इस तरीके से ऐसे छूते हैं कोई? पापा क्या? पापा तो चले गए सोने नीचे, सो भी गए, तुमने खाना खा लिया? और क्या, तेरा इंतजार कर रहे थे, तू आया है, हमने खा लिया, तू 2 घंटे में पहुंच रहा है, लगाया तूने 4 लगाया, इसलिए सोलन ने रुक गए थे थोड़ा खाना खाने के लिए। मेरे को तो साला पुराना पंचकुला बोल रहा था। अबे पुराना पंचकुला पहुंचने, अब वो तो अभी की बात है, हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि मैं सोलन रुक गया था खाना खाने के लिए, दोस्त वगैरह सोलन रुक गए थे सारे, तो मुझे भी रुकना पड़ा, इसलिए कोई नहीं आया मुझे रिसीव करने, सिर्फ और सिर्फ मिठू रिसीव करने आया मुझे बाहर, मैं अंदर आया ही था, मिठू उछल के मेरे कंधे पे बैठ गया, खुला था वो तो उड़ के उधर ही चले गए, अब कर रहा है मेरा सर दर्द हो रहा है, चल हाथ मुंह धो ले, मिठू चोंच मार साले गए, मेरा सर दर्द हो रहा है, चल फिर कौन बोलता तेरे जाने एक बस मैं उल्टी भी आई थी, बहुत नहीं उल्टी ज्यादा नहीं हुई, एक दो बार मन खराब हो गया था, कब होता है एक दो बार, कैसा बंदा है तू तो लड़कियों की तरह उल्टी करता है, ना मेरा लेते हैं बंदी, कि भाई तू बंदी, बंदी, जब तू सफर नहीं कर सकती है कहीं भी जाना हो, सफर नहीं कर सकती है, मम्मी कहती है मुझे नाम से मम्मी मुझे टोक देते हैं सारे कि भाई तेरे करके हम कहीं नहीं जाते हैं, तू नहीं तू उल्टी करती है, तू उल्टी करती मम्मी, तेरे ही बच्चा हूँ, तेरे गुण आए मेरे में, तेरे को वॉमिटिंग होती है, मुझे भी होती है, मुझे भी होती है,
तुम क्यों करते हो? अगर मैं चलाऊं ना तो भाई बताओ, बंदा थक कर आया, सारी थकान दूर होगी। मम्मी कह रही तू कैसे लड़के जैसे जो वॉमिटिंग करते है। चलो यार फिलहाल मैं पंद्रह बीस मिनट का मुझे रेस्ट लेने दो, थोड़ा सा हाथ पैर मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद ही करूंगा। तो मिलता हूँ यार तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखना। मिट्टू बाय बाय बोल दे। बाय बाय दोस्तों, भैया को आराम करने दो। चलो जैसे मिट्टू ने कहा वैसा करने दो, मुझे आराम करने दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।